सेकेंड आइडेंटिटी देखिए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? सपोज दैट दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट बी। ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल बनाया हमने थीटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी क्या लिख सकते हैं हम? हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसी चीज को मैं यहां पर लिखता हूं प्रूफ। देखिए, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये किससे आया? पाइथागोरस थ्योरम से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड किससे? बी सी स्क्वायर। ये समझ आया? किससे डिवाइड कर दिया? बी सी स्क्वायर से। अपनी तरफ से मैंने क्या किया, बोथ साइड बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा देखिए आप ध्यान से। बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कटा, क्या बचा? ए बी अपॉन बी, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। और ए सी अपॉन बी सी को यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्या है? ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा कि ये परपेंडिकुलर है। बी सी क्या है? तो आंसर है ये बेस है, तो यहाँ मैंने लिखा बेस इसका स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ए सी क्या है? ए सी क्या है? हाइपोटेनस। ओके, बी सी क्या है? बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को आप क्या कहते हो? टेन थीटा। इसका क्या चल रहा है? स्क्वायर। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है? सेक थीटा। इसका क्या? होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब आपने पी बी पी अपॉन एच एच बी पढ़ा तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा था? साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। दूसरा आपने क्या लिखा था? कॉस बी अपॉन एच। तीसरा क्या होता है? टेन। इसके बाद नीचे से लिखना स्टार्ट किया, ये क्या होता है? कॉट। ये क्या होता है? सेक। और ये क्या होता है? कोसेक। साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी, कॉट बी अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी, कोसेक एच अपॉन पी। तो एच अपॉन बी कौन होता है? सेक। तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी कौन होता है? टेन। तो वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? वन प्लस, इसको क्या लिखा? टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड आइडेंटिटी आपके पास प्रूफ होकर आ गई कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऑलवेज किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से आइडेंटिटी नंबर थर्ड ध्यान से देखेंगे। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ओके, हमें प्रूव करना है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, प्रूव करते हैं। सपोज दैट यहाँ एक ट्राइंगल है,
बी सी और जो राइट एंगल है बी पर, और यहाँ एक एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा, ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर और पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, ए बी स्क्वायर से, बोथ साइड, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर बोथ साइड, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे किससे, ए बी स्क्वायर से, और ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ए सी स्क्वायर को किससे डिवाइड कर देंगे, ए बी स्क्वायर से, बोथ साइड किससे डिवाइड कर दिया, ए बी स्क्वायर से। अब इसको सेपरेट किया, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, वन। इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। वन प्लस बी सी, बी सी क्या है, बेस, और ए बी क्या है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर से वन प्लस बी सी को लिख देंगे बेस, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी क्या है, हाइपोटेनस, और ए बी, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसा। अब फिर से पी बी पी अपॉन एच एच बी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं बी अपॉन पी, बी अपॉन पी चाहिए, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, देखो साइन, ये कॉस, ये क्या होता है कॉट, और ये सेक, और ये क्या कोसेक। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, ये देखिए एच अपॉन पी कौन होता है, कोसेक। तो यहां से हम फाइनली क्या कह सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास कितने रिजल्ट आ गए, तीन रिजल्ट आ गए, ठीक है। तो करता हूं मैं उनको डिस्कस, तीन रिजल्ट।